हेलो एवरीवन, ये काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट टू है। इसमें हम लोग कुछ और टाइप्स के फिगर्स में की चर्चा करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सभी फिगर्स के जो बेसिक्स होते हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो यदि आप उसे नहीं देखेंगे तो इसे थोड़ा सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसे आप पहले देख लें और फिर उसके बाद इस टाइप के सवालों को सॉल्व करें। यहाँ मैंने कर दिया है सवाल को पहले ही कि इस टाइप के अगर फिगर आते हैं इस टाइप्स के, तो उसे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1 2 3 4 5 नंबर डालकर आप इनको ऐड कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पहले ऊपर वाला को कर रखा है 1 2 3 4 5 को, तो यहाँ पर हमारा 15 आया है। ठीक, फिर मैंने नीचे भी ऐसे ही किया है 1 2 3 4 5, तो इसको भी ऐड करने पर हमारा 15 आ रहा है। तो इन दोनों को ही मैंने फिर ऐड कर लिया है। एक ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से लिया है और दूसरा ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से लिए हैं। तो इस तरीके से 15 + 15 और 30 हो जाते हैं पूरे। तो इस तरीके से ये 30 ट्राइंगल इस शेप में दिए गए हैं। इसे आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट, इस टाइप के ट्राइंगल्स भी पेपर में कई बार आ चुके हैं। और इसके कैसे सॉल्व करते हैं, इस ट्राइंगल की खास बात क्या है कि यहाँ पर ये लाइन जो है वो यहीं पे ही रोक दी गई है, इसे नीचे नहीं की गई है। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर, अब नीचे वाले का अगर हम भूल जाएं और ऊपर वाले से करें, तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले इनको हम ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है सबको, तो यहाँ हमारा आंसर आया है 21। और फिर उसके बाद नीचे भी 1 2 3 4 5 नाम सेव देकर हम लोग इसे भी ऐड नाम देकर इसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड करने पर हमारा आएगा आंसर 15। तो 21 + 15 हमारा 36 आंसर बनेगा। तो इस तरीके से होता है। कभी कभार ये लाइन यहाँ तक होती है और ये वाली लाइन नहीं दी जाती है, तो जिससे भी कन्फ्यूजन होती है। पर आप सीधा इसमें नंबर डालकर और ऊपर नंबर डालकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए है, इसे आप खुद करें। नेक्स्ट नेक्स्ट जो शेप है हमारी वो कुछ इस प्रकार की है। ये एक बार गलत हो गया था मेरा वीडियो, तो इसलिए मैंने इसे फ्लूड लगा रखा है। तो इसमें आप सबसे पहले नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये शेप है, इसके अंदर हमें ट्राइंगल को काउंट करना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4, तो इस तरीके से जो टोटल हमारे जो इसमें ट्राइंगल हैं वो 4, और ऊपर से हमारा एक बड़ा वाला ट्राइंगल +1, तो इस तरीके से टोटल ये 5 हो जाते हैं। तो 4 1 4 + 1 = 5। तो इसमें टोटल जो ट्राइंगल है वो 5 है, जैसे कि 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। इस टाइप की शेप की बात करूं, तो इस टाइप की शेप में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर कोई ऐसी शेप होती है और उसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो इसे 1 और 2 यानी कि ये टोटल होता है और ये बड़ा वाला हो जाता है, तो इसे कहते हैं ये होता है 3। तो टोटल ये 3 होते हैं। इस तरीके से मैंने पहले की वीडियो में आपको ये बता रखा है। तो 1 + 2 और ये 3 हो जाते हैं। अब इस वाले में कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये पूरे ये जो है ये 3 है, और ये भी 1 2, ओ बड़ा वाला 3 है, ये भी 1 2, और ये भी एक तरीके से 3 ही है। अब ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। अब हमें एक बीच में ट्राइंगल दिया गया है, तो 3 + 3 + मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, और उसके बाद एक छोटा ट्राइंगल +1 और ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल +1। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे ट्राइंगल हैं इसमें वो हैं 11। तो इसका आंसर है 11, क्योंकि 3 ट्राइंगल इसमें हैं, 3 ट्राइंगल इसमें, 3 ट्राइंगल इसमें। और कैसे हैं मैं बता देता हूँ, 1 2 और एक बड़ा वाला, ये वाला 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 3, और फिर उसके बाद ये छोटा वाला एक ट्राइंगल और फिर एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, टोटल इक्वल करने पर हमारा आंसर 11 आता है। ठीक, इस टाइप के शेप में भी दे रखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है इसमें। हमें पता है कि जब भी ये 3 होते हैं, हमें पता है ये भी 3 होते हैं और ये भी 3 होते हैं। अब अगर हम अंदर के ट्राइंगल की बात करें, तो अंदर के जो ट्राइंगल हैं वो टोटल जो दिए गए हैं 1 2 3 और 4, तो अंदर के जो ट्राइंगल है वो 4 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पूरे को ऐड करेंगे, 3 + 3 + 3, 3 + 3। तो इस तरीके से हमने इस एंगल को ऐड कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, मतलब इसके अंदर की अगर एंगल की बात करें, तो हमें पता 1 2 3 4 होते हैं टोटल ये, +4 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल +1 और एक ये इसके अंदर वाला ट्राइंगल +1। तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल
ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसे आप करते रहिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, इस टाइप की शेप भी मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करनी है। इसमें सिंपल है कि आप ये छोटे वाले जो ट्राइंगल है, इसमें जो छोटा स्क्वायर दे रखा है, सॉरी स्क्वायर को आप भूल जाइए, सबसे पहले पे नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल जो स्क्वायर बन रहे हैं वो 8 है। तो 8 को मैंने बताया था 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे 16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब छोटी वाली शेप में भी आप ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और ये 8, तो 8 मल्टीप्लाई 2 ये भी 16 हो जाता है। तो टोटल 16 और 16 को आप ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर कुछ आएगा 32। तो ये हमारा 32 इसका आंसर हो गया। ये आपके लिए है, इसे आप भी कोशिश कीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो था हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।